था, अब भी कोई एमपी नहीं है। और डॉक्टर जावेद ने कहा कि खाड़ी पुल बन रहा है कि कुतुब मीनार बने, हमारे नेता सुने, हम इसलिए थोड़े दबाव बना रहे हैं कि सरकार सुने, हम दबाव सरकार पर बनाएंगे तो एनएच जाम करेंगे। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशर्रफ हयात और आप देख रहे हैं खबर सीमांचल एक्सप्रेस। आज खबर सीमांचल एक्सप्रेस एक बड़ी आंदोलन में आके पहुंची है, जो आंदोलन का नाम दिया गया खाड़ी पुल अधूरा क्यों। उसी आंदोलन को देखते हुए आज मैं एक जाने माने हस्ती से कुछ बातें करने जा रहा हूं, जिससे पूछूंगा कि आखिर खाड़ी पुल इतने दिनों से क्यों बीमार है, क्यों अधूरा पड़ा हुआ है, इस इलाके में क्यों आखिर सरकार अनदेखी कर रही है। उसी से बात करने के लिए हमारे उप प्रमुख प्रतिनिधि जनाब शमशाद साहब मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका खबर सीमांचल एक्सप्रेस में, और बताइए कि आज आप लोगों को क्यों आंदोलन करना पड़ा, आज 12 साल से क्यों पुल अटका हुआ है। खबर सीमांचल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अदना से इंसान को कुछ सवाल जवाब के लिए बुलाया है, मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें कोई बात नहीं है, सीमांचल हमेशा पिछड़े इलाके में जानी जाती है। सीमांचल से जो नुमाइंदगी इस वक्त हो रही है वो बहुत कमज़ोर नुमाइंदगी हो रही है, और नुमाइंदगी के लिए कल तक कुछ लोग कह रहे थे कि ये खाड़ी पुल बन रहा है कि ताजमहल बन रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि खाड़ी पुल बन रहा है कि कुतुब मीनार बन रहा है। तो मैं उन नेताओं से पूछता हूं कि आप लोगों ने इस तरह का सवाल किया था, आज भी सांसद और विधायक हमारे हैं, आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारे मौलाना असरुल हक साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह, अब तो वो नहीं रहे, उन्होंने जो काम किया है ये काम उनके मतलब मौजूदगी में पूरा हो रहा था, इसी दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसा लगता है कि जब मौलाना साहब जब एमपी थे उनकी मौत हो गई, अब भी कोई एमपी नहीं है, तो क्या उनको कब्र से ला करके फिर से खड़ा कर दिया जाता। वही लोग तो बोल रहे थे कि खाड़ी पुल बन रहा है कि कुतुब मीनार बन रहा है, किसी ने कहा खाड़ी पुल बन रहा है कि ताजमहल बन रहा है। अब मौलाना के गुजरे हुए काफ़ी साल हो गए, 2018 में उनका इंतकाल हुआ है, तो 2018 से अभी 2022 चल रहा है, 24 आने वाला है, क्या ये इलेक्शन इशू बना के रखे हैं, क्या ये वादा मुआहदा करने के लिए। आज अगर ये लोग चाह लें तो पूरी आबादी यहाँ जुड़ सकती है, सिर्फ अप्रोच बना दें, ये टाल मटोल के एक स्पेन और बढ़ाया जाएगा, 4 स्पेन बढ़ाया जाएगा, ये सब टाल मटोल है। हम ये चाहते हैं कि इसको स्टार्ट किया जाए, जैसे भी स्टार्ट हो, बाकी आगे नदी किस तरह काटेगा, किस तरह क्या करेगा, ये कुदरती बात है, जब भी देखा जाएगा तो रिटेंडर उसका हो जाएगा, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, और हो सकता है कि 2024 के चुनाव में यहाँ के लोग बायकॉट करें, हम नहीं चाहते हैं कि बायकॉट हो। उससे पहले हमारे नेता अगर संवर जाए और इस खाड़ी पुल को खाड़ी वालों के हवाले कर दिया जाए, अमोर बैसा वालों के हवाले कर दिया जाए, बैसी वालों के हवाले कर दिया जाए, सीमांचल को दे दिया जाए, तो हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि नेता का बायकॉट किया जाएगा कब, जब इलेक्शन का समय होगा, लेकिन अभी वो वक्त है, अभी वो पावर में है, क्या अब आप लोग या हम लोग सब मिल करके उसके घर को या उसके कहीं स्थान को घेराव करके उसके समक्ष बात को रखेंगे क्या? उनका घर और स्थान कहीं नहीं होता है, एमएलए का घर जो सदन होता है, असेंबली होता है, पार्लियामेंट वो एमपी का घर होता है। अगर आप अंदर क्या बोल रहे हैं, हम बाहर क्या सुन रहे हैं, ये हम आप पर भरोसा अब नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरी सदन में आवाज़ नहीं सुनाई देता है, अवाम हमारे पीछे नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सबको बुलाओ लो भाई, ढेर सारी ट्रेनें हैं किशनगंज से, कटिहार से, और किशनगंज से या पूर्णिया से आप ट्रेनें बुक कराएं 10-20, यहाँ की आवाम को लेकर चले पार्लियामेंट के बाहर, सबको बैठा दें कि उनकी मांगे क्या है, खाड़ी पुल की मांग है या नहीं है, रसीली पुल की मांग है या नहीं है, असेंबली के बाहर आप पटना लेके चलें, 100-200 बस कर लें, आप वहां ले आकर के असेंबली के बाहर घेरा दें। इससे पहले के नेता के असेंबली घेराव करते थे, पार्लियामेंट घेराव करते थे, लेकिन आज के नेताओं को क्या हो गया, आखिर ये पार्लियामेंट और असेंबली को घेरने से अपने अवाम को ले जाने और लाने में डरते क्यों हैं। अवाम वोट भी दें और फिर अपने खर्च से असेंबली और पार्लियामेंट का घेराव के लिए जाए, ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। आपके पास व्यवस्था है, आपके पास सारा सिस्टम, आप लेके चलिए, हम सब जाने के लिए तैयार हैं। वरना यहाँ आकर के सरकार का हेलीकॉप्टर उतारिए और कहिए कि यहाँ से हेलीकॉप्टर जाने नहीं देंगे जब तक कि अप्रोच नहीं बना लेंगे। बैसा पुल में 13 पिलर है और 4 पिलर आगे रास्ता चला गया, नदी को काट करके डाइवर्ट किया गया, मौलाना साहब के टाइम में डाइवर्ट करके उसको चालू किया गया कि नहीं, आज बैसा पुल बचा है। लोचा में ऐसे ही हुआ, वहाँ 5 स्पेन बढ़ाया गया, तो क्या खाड़ी पुल नहीं बढ़ाया जा सकता? बैसा पुल इसी नदी में, लोचा पुल इसी पुल में, लोचा पुल इसी नदी में, तो आखिर वहाँ काम हो सकता था मौलाना असरार साहब के टाइम में, और आज जावेद साहब के टाइम में ये काम नहीं हो सकता है क्या? ये आखिर क्या है? जब कोई मांग करते हैं किसी तरह का, तो उन्हें क्या क्या बोल दिया जाता है, किसी को इडियट कहते हैं, किसी को गधे कहते हैं, कुछ भी कह देते हैं।
मालिक को बोला जाता है। जब बच्चा माँ बाप को अपने बड़ों को उल्टा सीधा बोलेगा तो बेबरकती आएगी, फसाद मिलेगा, और जब इंसान का जबान सही हो जाता है तो इलाके में भलाई आती है। लेकिन डॉक्टर जावेद का तो आपने बात कहा जो हमारे यहाँ से एमपी है, लेकिन आपने एक बार भी यहाँ के विधायक का जिक्र नहीं किया। विधायक के बारे में कहा? जी, तो विधायक के बारे में कहा स्पष्ट, उन्होंने मौलाना असरार साहब को कहा था, मौलाना असरार साहब के शान में कहा था कि ये खाड़ी पुल बन रहा है कि ताजमहल बन रहा है। मैंने आपको दोहराया, आप बात को मोड़ रहे हैं, खाड़ी पुल बन रहा है कि ताजमहल बन रहा है, और डॉक्टर जावेद ने कहा कि खाड़ी पुल बन रहा है कि कुतुब मीनार बन रहा है। दो आदमी के लिए दो बात मैंने कह दिया। जी, यहाँ के विधायक ने जब चुनाव लड़ने के लिए वो आए थे दूसरे जगह से, दूसरे जगह वो चुनाव लड़ने के लिए आया, उसका सबसे बड़ा मुद्दा खारी रसेली और रियाद अली, ये तीन मुद्दा था, लेकिन ना ही एक मुद्दा पर अब तक कोई जो है संघर्ष निकल के आया है, जो है कुछ निकल के आया है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ मुद्दा बना हुआ रहेगा चुनावी, या फिर क्या? बाग दिखा करके वोट लेने का काम हुआ है, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। सब्स बाग दिखाया गया, वोट ले लिया गया, आगे वक्त आएगा अवाम जवाब देगी। क्या आप जो लोग विधायक हो या सांसद हो, जो लोग अगर क्षेत्र में आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या आप जनता होते उसे खरीदने का काम करेगी क्या, उसे भगाने का? तो कभी जनता को तो कभी खरीदा नहीं, उसको खदेड़ा जाएगा। हाँ, खदेड़ा जाएगा, बिल्कुल खदेड़ा जाएगा। जब यहाँ काम नहीं तो वोट भी नहीं होगा, और काम अभी अमोर बैसा का सबसे बड़ा मुद्दा है रसेली और खारी पुल। अब लगता है तीन साल अभी भी, लगभग दो साल अभी भी बचा हुआ है जो यहाँ के विधायक का कार्यकाल, उसके बाद शायद विधायक साहब एमपी में भी आए, लेकिन उनको जरा सी भी अब तक आप लोगों के तरफ से जो है किसी प्रकार का कोई दबाव या कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आप अगर आप एमपी का इलेक्शन आने से पहले पहले आप अगर पुल नहीं बनाते हैं, आप अगर हम लोगों को जाने आने के लिए आवाजाही को स्टार्ट नहीं कराते हैं, तो फिर आप एमपी में आने से पहले आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। है एमपी एमएलए का दबाव ही है, ये धरना प्रदर्शन किस लिए है? ताकि हमारे नेता सुने। हम इसलिए थोड़े दबाव बना रहे हैं कि सरकार सुने। हम दबाव सरकार पर बनाएंगे तो एनएच जाम करेंगे, एसएच जाम करेंगे। अभी तो मेरा पहला दबाव एमएलए और एमपी पर है, हम एमएलए को और एमपी को बनाए हैं अपना कीमती वोटों से, और उन्होंने कहा भी था कि सबसे पहला काम मेरा यही होगा, लेकिन आज तक काम को छुआ भी नहीं गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जनाब शमशाद साहब आपको हमसे जुड़ने के लिए, शुक्रिया।